सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर में भगवान लक्ष्मी नारायण धाम जालंधर कमेटी की तरफ से 2 दिवसीय दिव्य बीज मंत्र वार्षिक उत्सव एवं 691 प्रभु कृपा दुख निवारण समागम के दूसरे दिन महाब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी ने उपस्थित श्रद्धालुओं को बताया कि मां दुर्गा भवानी की स्तुति ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों ने ही की है। माँ दुर्गा ने ही ब्रह्मा विष्णु और महेश को अपनी शक्तियाँ प्रदान की हैं, जिससे वे सृष्टि का सृजन पालन और संघार का कार्य करते हैं। पूज्य सदगुरु देव ने भक्तों पर भगवान श्री राम जी के अवधान की महाकृपा बरसाई। समागम में दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, कैबिनेट मंत्री बलकार सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय सांपला, विधायक रमन अरोड़ा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के वाइस चेयरमैन दिनेश ढल, श्री लक्ष्मी नारायण धाम के महासचिव सुशील वर्मा, गुरुदास सहित सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों, धार्मिक संस्थाओं के विद्वानों, प्रशासनिक अधिकारियों व राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित गणमान्य लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर प्रभु कृपा ग्रहण की। इसके साथ ही धारावाहिक महाभारत के युधिष्ठिर का रोल अदा करने वाले गजेंद्र चौहान, माता वैष्णो देवी के मुख्य पुजारी सुदर्शन पुजारी, थाना 8 के प्रभारी संजीव कुमार, श्री देवी तालाब मंदिर की संकीर्तन मंडली से सीमा गल्होत्रा, दीपाली बागड़िया, सेवादार भूषण कोहली, अर्जुन त्रेहन ने विशेष रूप से शामिल होकर आशीर्वाद लिया। समागम में भगवान श्री राम और मां दुर्गा के परम शक्तिशाली पाठ को ग्रहण करने के लिए श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। महाब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी ने कहा कि साक्षात भगवान शिव ने अपने मुखारविंद से कहा है कि भगवान श्री राम के इस दुर्लभ मंत्र को जो करता है वह परिवार सहित धन धान्य व सुख शांति से परिपूर्ण होकर 100 वर्षों तक जीता है। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन राजबीर की रिपोर्ट। हमें रख लेना है प्रभु तेरी दरबारी में, हमें रख लेना है प्रभु तेरी दरबारी में, जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में, जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में, हमें रख लेना मैया तेरी दरबारी में, हमें रख लेना मैया तेरी दरबारी में, मैं नचा शाम दे नाल अज मैनू नच ले स्वादेम गुरुवारा ध्यायामि ज्योतिर्माया आवाहनम समर्पयामि श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः आसनम समर्पयामि श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः स्नानम समर्पयामि श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः वस्त्रम समर्पयामि श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः। अद्भुत लोगों की स्वामनी है, हमें जो सुख मिलता है, शांति मिलती है, सुंदरता मिलती है, रूप मिलता है, वो चंद्रमा से मिलता है। सारे ग्रह सारा कुछ चंद्रमा के होने से है। चंद्रमा हट गया तो हम सब हट गए, समाप्त हो गए। ये चंद्र घंटा चंद्रमाओं को कलाओं को सबेल के रखती है, इसलिए भगवान किसी पे चंद्रमा होता है। सबसे ज़्यादा शक्ति चंद्रमा में होती है, चंद्र घंटा में होती है सबसे ज़्यादा। प्रेम, प्रेमिका, पति, माँ का प्रेम, बेटे का प्रेम, ये चंद्र घंटा से मिलता है। जो चंद्र घंटा पे स्त्री अपना सब छोड़ देती है, चंद्र घंटा पे उसे महा धन, माँ सुंदरता, माँ रूप, माँ प्रेम मिलता है। मांगा हुआ भिखारी का प्रेम नहीं, पैसे मांगे हुए भीख के नहीं, दुर्गा माँ को जो समर्पण कर दिया तो महा प्रेम देती है, माँ धन देती है, माँ यश देती है, माँ रूप देती है और अमरता देती है, कभी जाता नहीं। मेरे कान में बहुत दर्द हो रहा था, मेरे पूरे पेट में अजीब सा महसूस होता था, एसिडिटी रहता था, अब बहुत आराम मिला है। कान के पर्दे फट गए थे, सुनाई नहीं देता था, पेट खराब था, बरसों से डॉक्टर के पास इलाज नहीं है, 5 मिनट में दुर्गा माँ ने ठीक कर दिया। इतना आनंद है, मेरे घुटने में इतनी पेन थी, मैं गिर गई थी पिछले साल। लाइन में खड़े हो ना, आगे पीछे नहीं हो ना। गुरु जी मेरे को इतना आराम मिला, इसमें बहुत दर्द थी, मेरे इतनी ज्यादा दर्द, अर्थराइटिस था जो ठीक नहीं होता ऑपरेशन से भी। कितने 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 समय से है,
सुसाइड खा के थक गए, दवाइयां खा के थक गए, अब ठीक होगी। पांच मिनट। बहुत आराम मिला मुझे, बहुत कोटि कोटि नमन कोटि। गुरु जी के चरणों में प्रणाम, साध संगत के चरणों में भी प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले तो मैं अपनी बात शुरू करता हूँ कि अभी अभी जो गुरु जी ने करवाया है उससे मुझे क्या फ़ायदा हुआ, बहुत सारे लोगों ने बताया है। गुरु जी आज का दिन जो है मेरा बहुत बिजी शेड्यूल था और मैं सोच रहा था कि मैं कैसे पहुँचूँगा। सुबह चंडीगढ़ था, उसके बाद दिल्ली गया, एक कार्यक्रम किया, उसके बाद फिर वहाँ से फ्लाइट पकड़ी, अमृतसर आया, अमृतसर से चल के जलंधर आया और आपके चरणों में स्थान मिला। मैं बहुत थका हुआ था, मुझे नींद भी आ रही थी। मैं दो तीन दिन से लगातार कार्यक्रम कर रहा हूँ, मुझे जो सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ कि मेरी नींद उड़ गई है। नींद उड़ी, थकावट उड़ गई, मैं एकदम फ्रेश फील कर रहा हूँ। ये सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे यहाँ बैठे बैठे वो जो आपने करवाया है उसके कारण हुआ। रोग हट गए बड़े, प्रधानमंत्री ने बड़े महत्वपूर्ण कार्य दिए इनको, बहुत बड़े बड़े। करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। नौ दीप सात दीप नौ खंड में, गुरु से बड़ा ना कोई। पिछले करीब 16 वर्षों से मेरी जिंदगी और मेरे परिवार की जिंदगी गुरु के चरणों में समर्पित है और जो कुछ भी हो रहा है वो केवल और केवल गुरु जी के कारण हो रहा है। कई बार तो ऐसी अद्भुत घटनाएं हो जाती हैं जिस पे विश्वास नहीं होता। वो कहते हैं ना कि क्षमा बुझ जाए तो फिर जल सकती है, क्षमा बुझ जाए तो फिर जल सकती है, कश्ती हदे तूफान से गुजर सकती है। निराश ना हो, भरोसा रख, सर पे गुरु का हाथ हो तो तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है। आज दो विषय पे बात करने का मन कर रहा है। गुरु जी ने बहुत खूबसूरत जो है पहला चित क्या था, एकाग्र चित। आपने देखा गुरुजी ने कैसे समझाया आप लोगों को, बहुत देर से बात कर रहे थे एकाग्र चित, बीच बीच में माइक खराब हुआ लेकिन गुरुजी का एकाग्र चित नहीं टूटा। ये गुरु का समझाने का तरीका होता है। गुरुजी की जो फोकस था वो काम में था। आपने कभी किसी मुसलमान को नमाज पढ़ते देखा है? वो कौन सी पिक्चर थी उसमें दिखाया था कि वो नमाज पढ़ रहा, कोई उसके आगे से गुजर जाता है और उससे बाद में पूछा जाता है कि तुम नमाज कैसी पढ़ते, तुम्हारे आगे से गुजर गया। कहता मैं खुदा में इतना लीन था कि मुझे मालूम ही नहीं पड़ा कि मेरे सामने से कोई गुजर गया। एकाग्र चित्त जो है बेसुध हो जाता है इंसान जब किसी से प्रेम करता है, परमात्मा से प्रेम करता है, गुरु से प्रेम करता है। और गुरु वो माध्यम है जो परमात्मा का दिया हुआ हमारे तक डायरेक्ट नहीं आ सकता लेकिन गुरु के माध्यम से हम तक पहुंचता है। लेकिन सिर्फ दो ही चीजें ध्यान रखने का, ये मेरी निजी राय है, मैं गलत भी हो सकता हूं, गुरु की आज्ञा का पालन हमेशा करना और गुरु के शब्द कभी काटना नहीं। अगर आप ये दो चीजों में खरे उतरे तो मुझे कोई शक नहीं है, क्योंकि मैंने गुरुजी के चरणों में रह के इतना कुछ देखा है कि लगता है कि एक अलग अद्भुत दुनिया है जिसमें हर व्यक्ति जो है वो उम्मीद लगा के आता है और उसकी उम्मीद पूरी होती है अगर ये दो बातों का ध्यान आप रखेंगे। और दूसरा जो विषय है वो है माता वैष्णो देवी का। गुरुजी कह रहे थे कि परमात्मा किसी किसी को काम देता है, उनको ये काम दे दिया, मुझे ये काम दे दिया। मुझे लगता है कि मेरा जन्म एक छोटे से गांव में हुआ और मेरी तकदीर मुझे मुंबई ले गई और मुंबई में बी आर चोपड़ा साहब के यहाँ जब काम किया तो उसके बाद तकदीर ने ऐसा किया कि जितने धार्मिक सीरियल थे, धार्मिक फिल्में थी, वो मेरे हिस्से में आई।
शायद धर्म का प्रचार परमात्मा मेरे माध्यम से करवाना चाहता था। परम आदरणीय, परम श्रद्धेय और हमारे सभी के ऊपर प्यार बरसाने वाले, आशीर्वाद देने वाले ऐसे महान हमारे कुमार स्वामी जी, जिनका हमें मुझे मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे विशेष रूप से हमेशा इनका आशीर्वाद रहता है। वैसे तो इनका आशीर्वाद सभी के ऊपर है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे विशेष मिल रहा है। वैसे तो क्योंकि सभी से, क्योंकि इनके मन में तो सभी के लिए स्नेह प्यार है, मगर हर एक को लगता है कि शायद मुझे ज़्यादा मिला है, इसलिए मैं कम से कम मैं संतुष्ट हूँ। और इनका आशीर्वाद हम पर बना रहे, क्योंकि आज ही जब शीतल जी ने मुझे बताया था कि महाराज जी आ रहे हैं, तो हमने कहा कि भाई हमने जाना तो, क्योंकि मैंने शाम को ट्रेन से जाना था, मगर वो सारा कैंसिल करके अभी हम थोड़ी देर में रात को 1 बजे वाली ट्रेन हमने इसीलिए करवाई कि मैं आके दर्शन करके फिर जा भी सकूं। सो क्योंकि मैं पहले भी जब महाराज जी आए थे तब भी उनका आशीर्वाद मुझे मिला, होशियारपुर में भी आए, जहाँ जहाँ इवन दें जब मेरी बेटी की शादी थी तो विशेष रूप से आशीर्वाद देने के लिए दिल्ली भी आए। तो ये इनका आशीर्वाद है। और एक जब यहाँ पे आते हैं एक सुकून भी मिलता है, और ये सुकून का दृश्य मैं आप सबके बीच में देख रहा हूँ कि अभी लगभग 12 बजने के ऊपर हो गया, आप जिस शिद्दत से, जिस लगन से, जिस तरह से सुन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि महाराज जी की उस वाणी का, उसका आशीर्वाद कि आपको सबको भी उतनी इच्छा शक्ति है जितनी मुझे थी, और आप इसको इनके अमृतवाणी को, उस अमृत वर्षा को आशीर्वाद के रूप में आप सभी बड़े स्नेह प्यार से सुन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि महाराज जी का आशीर्वाद आप सबको भी संतुष्ट, जैसे मैं संतुष्ट हूँ, आपको भी कर रहा है। तो बस यही मेरी तो दुआ है कि महाराज जी का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बना, सदैव बना रहे, और किसी तरह की जब इनकी शरण में आते तो कमी तो कोई रहती नहीं है, और आप सबके भी जीवन में कोई कमी ना रहे, ऐसी मेरी दुआएं, शुभकामनाएं। पूजनीय गुरुदेव, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आपकी जितनी कृपाएं हैं जंदरवासियों के ऊपर और हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, सांपला साहब उनके परिवार के ऊपर, इनका कोई वर्णन, कोई इनका कोई हिसाब नहीं है। और आप बहुत ही हमारे ऊपर कृपा करते हैं, जब भी आप हमारी विनती को कबूल करते हैं कि जलंधरवासियों के बेहाब पे मैं जाके आपके चरणों में विनती लगाता हूँ, और आप इतने कृपालु होते हैं कि आप हमें समय देते हैं, और इस विशेष आयोजन के लिए आप कल कितनी कैसे आप पहुँचे रात को, हम लोग सारे यही अजंदर वासियों की तरफ से मैं आपको एक विनती करता हूँ कि आप इसी तरह हमारे ऊपर अपनी कृपा बरसाते रहें, और शक्तिपीठ देवी दलाम मंदिर में आपका बहुत बड़ा योगदान है, और प्रबंधक कमेटी भी आपकी, आपके चरणों में प्रणाम करती है, और ये जो सब लोग आज बैठे हैं, गुरुदेव आपकी
कृपा से ही, जैसे आपका आशीर्वाद, जैसे आपकी कृपा हमारे सिर पे है, ये सब लोगों के ऊपर भी ऐसी कृपा ही आप बरसाएं, और ये आगे ही बहुत कष्टों से आपने सबको ठीक किया गुरुदेव। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि इस साल भी, इस आयोजन पर भी, इस समागम में भी आप इसी तरह की कृपा करें, जैसे लाखों लोग, हजारों लोग हर बार देवी तालाब मंदिर में जब भी होता है आयोजन, तो आप कृपा करते हो। ये मेरी आपके चरणों में विनती है, और मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। और गुरुदेव, आप अगले साल का फिर एक प्रोग्राम इस मंदिर के लिए ज़रूर दें, क्योंकि इस पवित्र जगह पे जब आप अपने चरण डालते हैं, तो यहाँ पर लाखों लोगों के ऊपर कृपा होती है। और इसीलिए दुर्गा माँ का आपके ऊपर जो कृपा है, वो आप हम लोगों में सबको बांटते हो। मैं आपके चरणों में एक बार फिर प्रार्थना करता हूँ, एक बार फिर आप अगले साल का वायदा करिए कि एक बार फिर यहाँ आप चरण डालेंगे और सबको आशीर्वाद देंगे। इसी तरह सारी संगत तो देवी तला मंदिर से जुड़ी हुई है, वो उनकी कल से मैं देख रहा था कि सबकी आंखें आपके इंतज़ार में, आपका आशीर्वाद लेने के लिए व्याकुल थी। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुदेव, ओम नमो, जय गुरुदेव के लिए। आश्चर्य की बात है, जोरदार तालियों से आभार व्यक्त करेंगे, जोरदार तालियां। हम आपको वंदन करते हैं, आपने सुंदर आयोजन किया इतना, और किसने लाखों जो लोग हैं जिनका इलाज नहीं, वो ठीक हो गया 5 मिनट में, ये माँ की शक्ति साक्षात, बड़े बड़े डॉक्टर वैज्ञानिक देखे हैराड है। तो हम शीतल विज का धन्यवाद करेंगे कि कैसे उन्होंने व्यवस्था दी हमें, हर बार प्रेम देते हैं। और वैष्णो देवी दरबार से आए माँ दुर्गा के प्रतिरूप, वो भी कितने प्रसन्न होके गए। तो हम इनका धन्यवाद करते हैं, आपकी जय हो। आपके अंदर जो धर्म अर्थ का मोक्ष का प्रारूप है, उसका लाभ सारी दुनिया को मिली। जय माँ भी, जय जगदम्बी। जालंधर के मॉडल टाउन स्थित मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में रविवार को ब्राइडल ज्वेलरी शो का आयोजन किया गया। ये शो 17 फरवरी को शुरू हुआ था, जो 3 मार्च तक जारी रहेगा। इस उपलक्ष में शोरूम में आयोजित समारोह में मिस इंडिया 2021 कोनिका साई मुख्य रूप से शामिल हुई। शो में ज्वेलरी के शौकीन ग्राहकों ने भी पूरे जोशो खरोश के साथ हिस्सा लिया। इस दौरान कोनिका साई ने ब्राइडल ज्वेलरी की ग्रैंड लॉन्चिंग की। इस दौरान मिस इंडिया 2021 कोनिका साई ने उनकी ओर से लॉन्च की गई ब्राइडल ज्वेलरी को पहनकर भी देखा। इस बीच शोरूम में मौजूद कोनिका साई और कस्टमर्स ने लॉन्च की गई इस ज्वेलरी को पहनकर देखा। साथ ही साथ ग्राहकों ने अपनी पसंदीदा ज्वेलरी की जमकर खरीदारी भी की। इस मौके पर सेलिब्रिटी मिस इंडिया 2021 कोनिका साई ने शोरूम प्रबंधकों, स्टाफ और ग्राहकों की उपस्थिति में केक काटा और सभी को ब्राइडल ज्वेलरी की लॉन्चिंग की मुबारकबाद भी दी। इस बीच सेलिब्रिटी कोनिका साई और ग्राहकों ने ब्राइडल ज्वेलरी पहनकर रैंप वॉक भी किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। नमस्कार जी, आई एम कोनिका साई, मिस इंडिया 2021, और आज हम आए हैं अगेन मालाबार, जो कि ब्राइडल ज्वेलरी लॉन्च करने। थैंक यू सो मच, उन्होंने मुझे दोबारा इनवाइट किया। मैं पहले भी उनकी पोल की ज्वेलरी को लॉन्च कर चुकी हूँ, और अब फिर से मैं उनकी ब्राइडल ज्वेलरी को लॉन्च करने आई हूँ। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं मालाबार से कशिश बात कर रही हूँ। जैसे कि आपको कोनिका साई जी ने बताया कि हम यहाँ पर ब्राइडल कलेक्शन लॉन्च कर रहे हैं, आपको मैं बता दूँ कि ब्राइडल कलेक्शन में गोल्ड, डायमंड्स, हीरा, फुल्की, हर चीज़ में आपको ब्राइडल डिज़ाइंस मिलेगी। इवन नेकलेस से लेकर रिंग्स तक आपको हर कलेक्शन मिलेगी, एंड हमारे कुछ कलेक्शन ऑलरेडी डिस्प्ले है। ये ब्राइडल कलेक्शन जो है वो स्टिल 3rd मार्च तक चल रही है। तो आई रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरीवन, प्लीज जॉइन अस एंड वंस अगेन विजिट अवर मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स जालंधर। गत दिवस जालंधर के द्वापा कॉलेज में इमेच्योर बॉडी बिल्डिंग संस्था की ओर से स्वर्गीय हरमीत सिंह मन्ना की याद में सीनियर मिस्टर पंजाब और सीनियर मिस्टर जालंधर चैंपियनशिप करवाई गई।
इस दौरान जनरल सेक्रेटरी कंवरदीप सिंह ने कहा कि करीब 300 प्रतियोगी प्रतियोगिता में शामिल हुए थे। इसमें से जालंधर शहर के 150 प्रतिभागियों ने भाग लिया था, तो वहीं कार्यक्रम में प्रमुख ऋषि राज ने विजेताओं को बधाई दी। इस अवसर पर करणपाल सिंह अध्यक्ष सुमित शर्मा उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। वेद प्रचार मंडल पंजाब द्वारा डॉक्टर उदयन आर्य प्राचार्य गुरु विरजानंद गुरु कुल महाविद्यालय करतारपुर के सानिध्य में आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में PCMSD कॉलेज फॉर वुमेन जालंधर में अंत महाविद्यालय वैदिक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर नवजोत प्रिंसिपल लायलपुर खालसा कॉलेज फॉर वुमेन जालंधर ने की। मुख्य अतिथि डॉक्टर सुधीर शर्मा, आर्य मॉडल हाई स्कूल जालंधर के प्रधान डॉक्टर शिवदयाल माली ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का उद्घाटन किया। प्रिंसिपल डॉक्टर पूजा पराशर एवं श्री रजनीश आर्य ने ड्रॉ निकालकर और प्रतियोगियों को बैच प्रदान करके प्रतियोगिता का शुभारंभ करवाया। इस प्रतियोगिता में 21 महाविद्यालयों के छात्रों ने जन जागृति के नायक महर्षि दयानंद सरस्वती, स्वतंत्रता आंदोलन में आर्य समाज की भूमिका, वसुधैव कुटुंबकम सहित संस्कृति से जुड़े अन्य विषयों पर भाषण दिए। प्रोफेसर डॉक्टर उषा अवस्थी, प्रिंसिपल डॉक्टर नरेंद्र संधू, प्रोफेसर सरोजनी ने निर्णायक की भूमिका निभाई। मुख्य अतिथि सुधीर शर्मा, प्रसिद्ध समाज सेवक रंजीत आर्य एवं अन्य अतिथियों का स्वागत मंडल के संस्थापक रोशन लाल आर्य, राकेश चंदना, ज्योति स्वरूप कंबोज, गुरशरण सिंह, स्माइली मेहता, बॉबी मल्होत्रा, कमलेश गुप्ता, रीना वर्मा, सुनीता पहावा एवं अन्य पदाधिकारियों ने किया। मुख्य अतिथि सुधीर शर्मा ने विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर नवजोत, प्रिंसिपल लायलपुर खालसा कॉलेज फॉर वुमेन जालंधर। आज वेद प्रचार मंडल वालों करवाए जा रहे भाषण मुकाबले जड़े महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में करवाए जा रहे हैं, उन्होंने भाषण मुकाबले एज अ गेस्ट मैनू आने का मौका मिले और बहुत चंगा लग्या। वेद प्रचार मंडल बहुत वधिया कोशिश हो रही है, अलग अलग जिहड़े बर्निंग इशूज़ है उन्होंने उत्ते बच्चों ने गल की। पूरे पंजाब तो बच्चे आए हुए थे जिन्होंने इस मुकाबले हिस्सा लिया और वातावरण की संभाल तो लैके देश प्यार, शहीद आजम भगत सिंह और शहीदा दिन शहादतों जोड़ा है वह नतमस्तक हुए हैं। कौन से विचार दे रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो अभी जो बच्चों को विचार मिल रहे हैं उन विचारों के अंदर बहुत सारे जीवन निर्माण की बातें नहीं होती हैं। और ये जो मंच है वेद प्रचार मंडल, जो लुधियाना के जो इसमें जो टीम है वो इस टीम का इस मंच के माध्यम से युवाओं में बच्चों में विचार देने का काम किया जा रहा है और ये विचार ही व्यक्ति को आगे बढ़ाता है। खुद और समाज को बिलोंग करता है, आज का फंक्शन बहुत चंगा लगता है। साड़ी फैमिली शुरू तो 1957 तो मैं दयानंद को समर्पित है। संस्था की तरफ से वेद प्रचार मंडल का तहे दिल से धन्यवाद जिन्होंने इस सराहनीय कार्यक्रम के लिए हमें भागीदार चुना और इस संस्था में ये वैदिक प्रतियोगिता करवाई। यहाँ पर आए हुए सभी जितने भी हमारे अतिथिगण हैं और उनके साथ बच्चे और संस्थाओं के अध्यापक, मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ। ये कार्यक्रम स्वामी दयानंद जी के
200वीं जयंती के उपलक्ष्य में किया गया था। बिग बॉस सीजन 17 के पहले रनर अप अभिषेक कुमार सचखंड श्री दरबार साहिब में नतमस्तक होने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने गुरु घर में माथा टेक कर सरबत के भले की अरदास की, तो वहीं गुरुबानी का श्रवण भी किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए अभिषेक कुमार ने बताया कि बिग बॉस 17 से उन्हें एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है और वे चाहते थे कि बिग बॉस से बाहर आने के बाद वे सचखंड श्री दरबार साहिब में माथा टेकें, जिसके चलते वे यहां पर माथा टेकने के लिए पहुंचे हैं और वाहेगुरु जी की फतेह व उनका शुक्राना करने के लिए आए हैं। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। सर, मैं जब बिग बॉस के अंदर से गया, मैं मन नतमस्तक थी कि बाहर निकल दे मैं आऊँगा। थोड़ा जा लेट हो गया, बट मैं पहुँच गया। जरूरी सी हो रहा है, बार बार दिल चाह रहा था कि क्यों नहीं जा पा रहा, क्यों नहीं जा पा रहा, फाइनली मैं आ गया। फिरोजपुर के लॉयंस क्लब फिरोजपुर बॉर्डर की तरफ से रामबाग रोड वृद्ध आश्रम में आंखों और दांतों का मुफ्त चेकअप और ऑपरेशन कैंप लगाया गया, जहां आंखों और दांतों के माहिर डॉक्टरों द्वारा 300 के करीब आंखों के मरीजों का चेकअप किया गया, जिनमें से 40 लोगों के ऑपरेशन किए जाएंगे और उन्हें मुफ्त में दवाइयां भी दी जाएंगी। तो वहीं लॉयंस क्लब फिरोजपुर बॉर्डर के प्रधान आशीष शर्मा ने बताया कि ये क्लब की तरफ से 5वां मुफ्त आंखों का और दांतों का चेकअप कैंप लगाया गया है, जिसमें मरीजों के ऑपरेशन भी मुफ्त में किए जाएंगे और उन्हें दवाइयाँ भी मुफ्त में दी जाएंगी। वे उन्होंने बताया कि इस कैंप में 500 के करीब लोग लाभ ले चुके हैं। फिरोजपुर से हलचल के लिए मंजीत सिंह की रिपोर्ट। आज जो कैंप लगाया गया जी, कितने वालों लगाया गया? ये कैंप आज लॉयंस क्लब फिरोजपुर बॉर्डर वालों लगवाया गया जी। ये लॉयंस क्लब फिरोजपुर बॉर्डर का 5th आई चेकअप एंड ऑपरेशन कैंप है। पिछले साल भी इसी तरह ये कैंप 26 फरवरी में लगा सी। इस साल ये कैंप अज के दिन 25 फरवरी 2024 में लग रहा है। पिछले साल जिहड़ा कैंप लगा सी वह भी काफ़ी सक्सैसफुल होया सी। इस साल हुण तक जिहड़ियां रजिस्ट्रेशन हुई हैं वह अराउंड 400 के करीब हो गई हैं, तो डॉक्टर्स ने 80 पेशेंट्स नूं हुण तक ऑपरेशन लिए कह दिता है। ये लॉयंस क्लब फिरोजपुर बॉर्डर की तरफ से 5वां कैंप लगाया है, फिरोजपुर कैंट में लगा हुआ है, जिनका ऑपरेशन फ्री में किया जाएगा, फिरोजपुर कैंट में किया जाएगा, भगत ऋषभ देव लॉयंस आई हॉस्पिटल में किया जाएगा। फोकल पॉइंट एसोसिएशन अमृतसर की ओर से अपनी मांगों हेतु नगर निगम के कमिश्नर हरप्रीत सिंह, अमृतसर के अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर सुरेंद्र सिंह और आम आदमी पार्टी अमृतसर के जिला प्रधान गो बोर्ड के वाइस चेयरमैन मनीष अग्रवाल को एक मांग पत्र दिया गया। इस अवसर पर फोकल पॉइंट के प्रधान संदीप खोसला नवल गुप्ता ने गायों के लिए गौशाला और फोकल पॉइंट में आ रही समस्याओं के बारे में बताया। इस मौके पर प्रधान संदीप खोसला ने बताया कि फोकल पॉइंट में सफाई व्यवस्था का बड़ा बुरा हाल है, कूड़े की लिफ्टिंग सही ढंग से नहीं हो रही और सफाई सेवक भी ना के बराबर हैं। उन्होंने कहा कि सड़कों का निर्माण कार्य भी बड़ा ढीला चल रहा है। वे उन्होंने कहा कि उनके पास कुल 2200 के करीब गोधन है, जिसकी वे देखभाल करते हैं। उन्होंने कहा कि शहर में करीब 600 गायें लाचार अवस्था में घूम रही हैं। अगर उनके लिए शेड का इंतजाम हो जाए तो वे इन गायों को भी गौशाला में ला सकते हैं। तो वहीं इस विषय पर कमिश्नर ने एसोसिएशन को आश्वासन देते हुए कहा कि गत दिवस ही कूड़े की लिफ्टिंग के लिए 2 ट्रॉली का इंतजाम किया गया है और कूड़े की लिफ्टिंग प्रॉपर ढंग से की जाएगी। उन्होंने कहा कि सफाई सेवक भी बढ़ाए जाएंगे और पार्कों के लिए माली रखने का इंतजाम भी हो जाएगा, सड़कों के निर्माण में भी तेजी लाई जाएगी। तो वहीं इस संबंध में कमिश्नर हरप्रीत सिंह ने कहा कि उनके पास काउ सेस पड़ा है, जिसमें से 50 लाख रुपए शेड बनवाने के लिए दिए जाएंगे और गायों के भोजन के लिए डाइट मनी दी जाएगी। इस अवसर पर मुनीष अग्रवाल ने कहा कि वे भी पंजाब सरकार से जितनी भी सहायता संभव होगी लाकर देंगे। इस अवसर पर आए हुए मेहमानों को गौशाला देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर फोकल पॉइंट के महासचिव सुभाष अरोड़ा, चरणजीत शर्मा, वरिष्ठ उप प्रधान नवल गुप्ता, चीफ पैटनर कमल डालमिया, वाइस चेयरमैन रमन अग्रवाल, पैटरन भूपेंद्र खोसला, कैशियर राजेश कुमार लाडी, अश्विनी बब्बर, नरेश बब्बर, सतीश अग्रवाल उपस्थित रहे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। फोकल पॉइंट इंडस्ट्रियल वेलफेयर एसोसिएशन ते अमृतसर पिंजरा बोल गौशाला ने मिलके साडे म्युनिसिपल कमिश्नर हरप्रीत जी नूं और नाल आम आदमी पार्टी दे प्रेजिडेंट मनीष अग्रवाल जी ने और गौ बोर्ड के वाइस चेयरमैन भी है, उन्होंने अज असी इत्थे इनवाइट किया सी। ते असी इत्थे फोकल पॉइंट दीआं जिहड़ियां कूड़े नाल जुड़ियां समस्यावां, साफ सफाई नाल जुड़ियां समस्यावां, जिन्नियां भी समस्यावां सी असी उन्हां नूं अवगत कराया। नाल ही असी जिहड़ी
एक कंपेन शुरू की है कि अमृतसर नूं असीं लाचार ते आवारा गऊ मुक्त करांगे, जिहदे विच काफ़ी इंडस्ट्री साडा साथ दे रहे हैं। असीं मानयोग कमिश्नर साहब नूं रिक्वेस्ट की है कि काउ सेस दे विचों सानूं उन्हां दे रख रखाव वास्ते जिहड़ियां गऊआं अमृतसर तों असीं चुकांगे उन्हां वास्ते 3 शैड चाहिए है, प्लस उन्हां गऊआं वास्ते डाइट मनी या जिहड़ियां गऊआं असीं आलरेडी सेवा कर रहे हैं, क्योंकि काउ सेस दे विचों गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि 61 रुपये पर काउ अज जिहड़ी 50 तों 61 रुपये सरकार ने की है, 61 रुपए पर डे के हिसाब नाल डाइट मनी जी मिलती है काउ सेस चो। सनातन धर्म रामा मंदिर जालंधर छावनी की ओर से 24 फरवरी से 3 मार्च तक मंदिर प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसके दूसरे दिन बड़ी संख्या में भक्तों ने पहुंचकर कथा का श्रवण कर अपना जीवन धन्य किया। इस दौरान कथावाचकों ने प्रभु लीलाओं का सुंदर व्याख्यान कर भक्तों को भाव विभोर किया और ईश्वर भक्ति के मार्ग पर प्रशस्त रहने के लिए अग्रसर किया। इस दौरान प्रतीक गुप्ता परिवार की ओर से आरती की गई। इस अवसर पर चेयरमैन हरविंदर सिंह पप्पू, प्रधान कमल चौहान, पंडित राजेंद्र राजू, प्रभु दयाल, लक्ष्य शर्मा, रविकांत शर्मा, मीनाक्षी शर्मा, अनु शर्मा, गीतांजलि, आशा, सीमा, सरोज रानी सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर कैंट से हलचल के लिए कैमरामैन जतिन राजपूत की रिपोर्ट। बहुत आनंद साढ़े प्रभु जी ने जो विचार दसे है भोलेनाथ जी ने शादी ने बहुत ज़्यादा साढ़े पेंट वाले भोलेनाथ जी ने और पार्वती जी माता जी ने दर्शन कराए हैं। असी इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जो कि अज की जो आरती सी प्रतीक छोटा भरा साडा उन्हां वालों सी और कल की जो आरती होगी वो असी इन्हों दसदिया करांगे। इन्हों का बहुत बहुत अभी धन्यवाद करते हैं और सारे का इतने गेट से फिर तो एक ही बेनती करते कल तो ज़्यादा आके कथा का आनंद लिया। सनातन धर्म रामा मंदिर में आज दूसरा दिन सप्ताह का चल रहा है, जो कि बहुत लाभदायक सहायक कथा होती है। इसको सुनना सुनाना बहुत अच्छा होता है, सुनाने का भी मन होना चाहिए तो सुनने का भी मन होना चाहिए। कथा का मजा तो तभी आता है। आज की आपकी माँ छोड़ा भाई बच्चा ही है वार्दो प्रतीक जी, इनकी फैमिली की तरफ से आरती कराई गई है। कल की आरती हमारे यजमान आएंगे शाम को, उनको भी बता देंगे। हम सनातन धर्म रामा मंदिर और हम अपने जो आए हैं महाराज, इनका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं जिन्होंने आके यहाँ भागवत सत्ता कराया। ये कथा जो हो रही है ये मंदिर की तरफ से ही हो रही है, श्री सनातन धर्म रामा मंदिर सभी इसके साथ जुड़े हुए हैं। हम मंदिर के साथ जुड़े हैं, मंदिर हमारे साथ नहीं जुड़ा हुआ है, हम मंदिर के साथ। जो भी कथा जो फंक्शन भी होता है हम रामा मंदिर के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर कैंट में अपना आगमन किया है और अपनी मधुर वाणी से सुंदर भागवत कथा का दस्तान करा रहे हैं और भागवत कथा के साथ में राम कथा का भी आनंद हमें मिल रहा है। और आज की कथा में जो श्रीमद् भागवत कथा आज दूसरे दिन में हुई है उसमें भगवान भोलेनाथ जी का विवाह का उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ में श्रवण कराया है। महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव मंदिर मोहल्ला नंबर 22 जालंधर छावनी में से प्रभात फेरी निकाली गई, जो कि शिव महिमा का गुणगान करते हुए इलाके की परिक्रमा कर पूर्व पार्षद हरविंदर सिंह पप्पू के निवास स्थान पर जाकर संपन्न हुई, जहां पर हरविंदर सिंह पप्पू के पारिवारिक सदस्यों की ओर से पुष्प वर्षा कर इस प्रभात फेरी का भव्य स्वागत किया गया और आए हुए सभी भक्तों के लिए विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। इस मौके पर गीतांजलि, रीतिका, सेजल, लक्ष्य, आकांक्षा, वनीता, पूजा, विकी जिंदल, अनुज शर्मा, मोहित, ममता, शमा, सुरेंद्र सिंह शिंदा, भूपेंद्र सिंह बिट्टू, भोलू, किरण, राजकुमार राजू, गुरशरण सिंह टक्कर, मोनू जिंदल, बॉबी सहित असंख्य शिव भक्त मौजूद रहे। जालंधर कैंट से हलचल के लिए कैमरामैन जतिन राजपूत की रिपोर्ट।
मेरे भोले बाबा मंदिर आते भोले सज भोले ओ मंदिर आते भोले अज कौन दे मंदिर आते भोले अज कौन दे ओ मेरे भोले बाबा कि हर साल की तरह इस साल भी प्रवास फेरी जो कि भोलेनाथ की निकलती है रामबाग तो वो भी कृष्ण कन्नू प्रधान और अज जो कि साढ़े नवासते आई है वो असी सारियां कैंट के नवासियों लख लख बधाई दें और चेचे तौर पर राजकुमार राजू गुरचरण सिंह टक्कर डॉक्टर संजीव और साढ़े मथुरा वृंदावन तो गुरु जी आए उन्होंने आके भी इतने दर्शन दिते और लंगर दी आयोजना की गई सी। मैं अपने वालों अपने सारे परिवार वालों सारियां नूं लख लख बधाई देना जो कि बहुत जल्दी 27 तरीक नूं जो कि शोभा यात्रा बजरंग भवन तो भोलेनाथ की निकलनी है वो सारिया ने आके भाग लेना है। मैं अपने वालों फिर सारियां नूं इत्थे आने ते लख लख बधाई देना। राजकुमार जैन की धर्मपत्नी जगदीश जैन जो कि अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में विलीन हो गई हैं, उनकी आत्मिक शांति हेतु रस्म पगड़ी महावीर जैन भवन कपूरथला चौक जालंधर में की गई। इस मौके पर पंडितों ने श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय जगदीश जैन की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की। इस मौके पर पारिवारिक सदस्यों में बेटा कमल जैन, अभिषेक जैन, अक्षिता जैन, धारणी जैन, शांति प्रकाश जैन, राकेश जैन, पूजा जैन, विक्रमजीत, अर्चना जैन, संदीप जैन, गुलशन जैन, लितेश जैन, वीनस जैन, बलवेश जैन, कांता जैन, सुमित प्रकाश जैन, सुलक्षणा जैन, आदेश्वर जैन, डॉक्टर नीलम जैन, रीटा जैन, नरेंद्र जैन, वीना जैन, अर्चना जैन, अभिषेक जैन सहित राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय जगदीश जैन को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। राघव गुप्ता जिनका गत दिवस आकस्मिक निधन हो गया है, उनका अंतिम संस्कार हरनामदासपुरा स्थित शमशान घाट में किया गया। इस मौके पर पारिवारिक सदस्यों में पिता नवल गुप्ता, ललिता गुप्ता, राशि गुप्ता, ताशिया गुप्ता, माघव गुप्ता, रेखा गुप्ता, वरुण गुप्ता, गीतिका गुप्ता सहित राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय राघव गुप्ता को नमांकुश से अंतिम विदाई दी। रघुवीर सिंह सैनी जो कि अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर गुरु चरणों में जा विराजे हैं, उनकी आत्मिक शांति हेतु भोग एवं अंतिम अरदास गुरुद्वारा श्री गुरु अमरदास जी डिफेंस कॉलोनी जालंधर में की गई। इस मौके पर रागी जत्थों ने वैराग में कीर्तन कर स्वर्गीय रघुवीर सिंह सैनी की आत्मिक शांति हेतु अरदास की। इस मौके पर पारिवारिक सदस्यों में बेटा परमजीत सिंह, अनुकंपा, बलबीर सिंह सैनी, निरुपमा सैनी, नीलम सैनी सहित राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय रघुवीर सिंह सैनी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शायद
अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। अमृतसर के शहीद उधम सिंह नगर में एक नौजवान पर कुछ लोगों ने तेज धार हथियारों से किया हमला, हुई मौत। अमृतसर में एक निजी स्कूल में 9वीं कक्षा के छात्र ने 5 वर्षीय छात्रा का किया शारीरिक शोषण, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की शुरू। अखिल भारतीय दलित सेवा समिति की ओर से श्री गुरु रविदास जी महाराज के 647वें प्रकाश पर्व पर 5वें वार्षिक मेले का किया गया आयोजन। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।